नमस्कार, मैं कल्याणी उसरकर। समय नेशनल टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश के सभी राज्यों की प्रमुख खबरों पर। 50वें निरंकारी संत समागम के उपलक्ष्य में पहले दिन पहुंची महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस। महाराष्ट्र में पहली बार मिशन की वर्तमान सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में यह संत समागम हो रहा है। खारघर के मशहूर सेंट्रल पार्क के नजदीक सेक्टर 28 एवं 29 में स्थित सिडको के विशाल मैदानों में इस 3 दिवसीय संत समागम का आयोजन किया गया है। पहले दिन विधिवत रूप से माता जी का आगमन समागम के मुख्य द्वार से हुआ। समागम कमेटी मेंबरों ने माता जी का स्वागत किया। अमृता फडणवीस ने कहा कि यह बहुत ही अद्भुत अनुभव है। मिशन इस बार अपनी सदगुरु माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। सदगुरु पापा जी ने जो संदेश मानव हित के लिए दिए थे और जो समाज हित के लिए मिशन योगदान देता आ रहा है वह बहुत ही सुंदर है। मिशन के विभिन्न योगदानों को समाज कभी नहीं भूल सकता। आज हमारा सौभाग्य है कि मुंबई के महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी मैडम अमृता फडणवीस जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मैम। से हम जानना चाहेंगे कि अमृता जी यहाँ पर आए तो उनका कैसा अनुभव है और निरंकारी मिशन के योगदानों के बारे में वो क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अद्भुत अनुभव है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सविंदर माता जी जो माँ है हमारी वो गुरु माँ बनी है और उनका स्नेह यहाँ हर तरफ बरस रहा है। मिशन ने तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं, चाहे वो लोगों को बहुत ही सरल तरीके से सिखाना कि जीवन कैसा बिताया जाए या ब्लड डोनेशन स्कैम डोनेशन के कैंप्स करना जिसमें हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ है, तो मिशन के काम तो अति सराहनीय है। और जैसे कि आपने देखा भक्तों की तो यहाँ तांता है और सभी के मन में एक श्रद्धा का भाव है और इन्होंने संतों ने हमें जीवन का रास्ता दिया है, रास्ता दिखाया है, सही रास्ता, भौतिक जीवन से आगे निकल के शांति से एक साथ रह के कैसा जिया जाए, तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू मैम। और आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे न्यूज़ डिवाइन के व्यूवर्स को? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि संतों से सीख लेते हुए हम सब ने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हम हर पीड़ित की मदद कर पाए। हमने जात भेद धर्म से ऊपर उठ के एक मानवता अपनानी चाहिए और मानवता अपनाते हुए हर इंसान को खुशी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और मिशन का एक संदेश है, अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस, सब दीवारों के रहित एक संसार बने जहां कोई दीवार ना हो। जैसे आपने अभी कहा जाति पाति की दीवार, तो इस समाज में इन दीवारों को गिराने के लिए आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिक मुहिम या आध्यात्मिक जागृति कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक जागृति और इस जागृति के द्वारा ही हर इंसान अब आप को पहचानेगा और इंसानियत समझेगा। तो आध्यात्मिक जागृति ही हमको जीवन में आगे ले जा सकती है, यही हमारे देश को भी सुपर पावर बना सकती है। हर अच्छी चीज़ अगर हो सकती है वो चालू आध्यात्मिक जागृति से हो सकती है। महाराष्ट्र के कोने कोने से तथा देश के कई भागों से और दूर देशों से लाखों निरंकारी श्रद्धालु भक्त एवं प्रभु प्रेमी सज्जन राज्य के सबसे बड़े आध्यात्मिक सम्मेलन यानी महाराष्ट्र के 50वें वार्ष निरंकारी संत समागम में एकत्रित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन धन कार्ज। आज हम यहाँ महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम पे इधर मिल के बैठे हुए हैं, जिसे हम एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी एंड हिज कम्प्लीट सरेंडर फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, लव फॉर ऑल। और जैसे पहले भी दास ने बोला था, ही वॉज जस्ट लव पर्सोनिफाइड।
आपने अभी महापुरुषों को कविताओं में, गीतों में, प्रवचनों में सुना, किस प्रकार सबने जिक्र किया कि अपनी सेहत की, खाने पीने की, आराम की चिंता किए बगैर उन्होंने दिन रात मिशन के लिए लगाया ताकि इस ब्रह्म ज्ञान को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें। वह जिसे भी मिले, भले पहली बार मिले, एक अपनी छाप छोड़ी बाबा जी ने सब पे, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं बोला सबको, उन्होंने खुद प्यार करके दिखाया सबको। एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली लव्ड, बिकम लव। साध संगत जी, यहाँ बाबा जी का परिवार बैठा है सारा। अक्सर हम एक बच्चे को देख के बोलते हैं, इसका बिहेवियर, इसका बातचीत करने का तरीका अपने पिताजी से कितना मिलता है। तो बाबा जी ने तो सबको सिर्फ प्रीत, प्यार, नम्रता सिखाई। जिसको मिले झुक के मिले, अदब से मिले, सबके लिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, सबके लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट था। साध संगत जी, हर गुरसिख का जीवन ऐसे बन जाए ताकि जो भी मिले हम उसको प्रीत, प्यार, नम्रता से मिलें, और ऐसी पहचान बन जाए ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े ये कौन है। हमारे कर्मों से हमारी निरंकारी होने की पहचान बन जाए। साध संगत जी, हमने बढ़ चढ़ के इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाना है, बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है, और हमने अपनी कर्मों द्वारा अपनी लकीर लंबी करनी है। किसी की लकीर मिटा के अपनी लकीर लंबी नहीं करनी। साध संगत जी, एक एक गुरसिख के फेस से ऐसी डिविनिटी रिफ्लेक्ट करे, पीस, सेरेनिटी रिफ्लेक्ट करे कि जो भी देखे एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो। और ऐसा ही जीवन बाबा जी ने सारे महापुरुषों से चाहा। अरदास करें सबका ऐसे बन पाए और मिशन को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएं। साध संगत जी, धन निरंकार जी।